दिस इज द फैक्ट गाइस, मुझे घर पे रहना अच्छा ही नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, सब बाहर ही बाहर घूमो, मुझे कहीं दूर नहीं जाना है, बस घर से थोड़ा बाहर चलो। सो गाइस अभी हम लोग ना फिर से तार ब्रश लेने जा रहे हैं, एक्चुअली में नथु बड़ा के घर पे कुछ काम है। पहली बार लग रहा है कि हमको 36 भोज खा रहे हैं, ऑल्दो ये 36 नहीं है लेकिन द डिजाइन यू कैन सी कुड बी बहुत गंदा हुआ है, धोना है, अभी नहीं धूंगा, बहुत टाइम है, ठंड लगेगी बेचारे को, है ना। एंड बाहर से भी लोग आए थे, दिल्ली से आए थे पूजा करवाने। देखो छोटा सा ये व्लॉग है लेकिन ये व्लॉग को भी ना हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मजाक ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि मैं अकेला ही हूँ जो वीडियोज बनाता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू एपिसोड, न्यू वीडियो, होपफुली एवरी वन इज गुड। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वीडियोस के अगले दिन है, एंड आज के दिन मैं इंट्रो कर रहा हूँ, एंड वीडियो जो है कल की है, एंड स्टार्टिंग करते हैं मोटो व्लॉग से, लेट्स बिगिन। तो गाइस हम लोग फिर से मोटो व्लॉगिंग के सेटअप पे आ चुके हैं, आईना बहुत गंदा है मत देखना, ठीक है। तो हम लोग निकल रहे हैं, देखो ये पूरा लतरंग बुतरंग झुंडा हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ो, स्कूटी भी बहुत गंदा हुआ है, धोना है, अभी नहीं धूंगा, बहुत टाइम है, ठंड लगेगी बेचारे को, है ना, ठंडे का मौसम है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली में मंदिर, तो मंदिर की ओर हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा बाहर रास्ता देखेंगे, उसके बाद से हम लोग मंदिर में देखेंगे क्या कर सकते हैं। देखो मैं गारंटी के साथ बोल नहीं सकता कि मंदिर में सारी चीज़ें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, पूजा हो रही है, ठीक है। तो अगर हेल्प करने को मिला तो हेल्प करते करते मैं शायद भी भूल जाऊँ, तो मैं बोल नहीं सकता कि वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगा, लेकिन कोशिश है कि आपको कुछ दिखाएँ, ठीक है। तो हम लोग निकल चुके हैं गोलाई, और यू नो 25 दिसंबर से हम लोग के यहाँ भी बहुत ठंड है, बहुत, देखो धूप अच्छे से लगा नहीं है, मौसम थोड़ा ख़राब ख़राब है, लेकिन फिर भी चलेगा। ये रास्ता ना पिछले कुछ दिनों से खराब था, अभी जाके थोड़ा बनाया हुआ है, यू नो मिनिस्टर सब आने चाहिए हमारे यहाँ, तभी होता है। देखो मंदिर अभी हम लोग नहीं जाने वाले, पहले हम लोग माता के दर्शन कर लेते हैं, ओम नमः शिवाय माता के यहाँ, क्योंकि जो भी पूजा सेशन होता है ना वो सारी चीज़ें यहाँ होने के बाद माता के यहाँ आता, तो अभी तो शायद माता के यहाँ कुछ हो रहा होगा, यही होप कर रहा हूँ मैं कि वहाँ कुछ होगा, अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो हम लोग यहाँ पर पार्क कर लेते हैं, ऊपर हम लोगों को जाना है, ठीक है। सो गाइस है ना अभी मोटो व्लॉगिंग सेटअप से मैं फ़ोन को निकाल देता हूँ क्योंकि हेलमेट को अंदर जो रखनी है। तो जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सभी लोग यहीं पर होंगे, तो सभी पार्ट कर रहे हैं, एंड यहाँ पर कितने दिन का, 4 दिन का पूजा था ना, हाँ 4 दिन का पूजा था, एंड आज क्या बोलते हैं संगे, आज संगे है हो में, एंड बाहर से भी लोग आए थे, दिल्ली से आए थे पूजा करवाने, फिर यार चलो चलो। हम लोग पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर, यू नो 10 महाविद्या देवी मंदिर, माँ काली का मंदिर है, तो ब्राह्मण लोग सभी लोग पूजा करवा रहे हैं, यार चलो ना। तो गाइस होपफुली आपने इंजॉय कर लिया होगा सिनेमैटिक, एंड आपको बता दूँ वो सारे सिनेमैटिक मेरे भैया, हमारे प्रभात भैया जी ने रिकॉर्ड कर दिया था, होप सो आपको अच्छा लगा हो। एंड हम लोग अभी ना मंदिर में आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, ठीक, तो हमारे नंदी महाराज की जय हो, बाबा जय रुंदर। सो गाइस अभी हम लोग ना फिर से तार ब्रश लेने जा रहे हैं, एक्चुअली में नथु बड़ा के घर पे कुछ काम है, उसको लेके जाना है साथ में, मेरे साथ प्रभात दाई भी है। तो गाइस हम लोग ना अभी निकल गए हैं, देखो मैंने भैया को बोला कि मैं कैसे जुगाड़ करके रखा हूँ, ठीक है, तो
वो भी शौक हो रहा है कि कैसा बंदा है जो इतना क्रेजी है। अब क्या करे यार, क्रेजी पर दिखाना पड़ता है। फिर हमको पैसा मिल चुका है एंड हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान लेने। सामान लेने के बाद हम लोग माता के यहाँ चले जाएंगे। धूप उतना लगा नहीं है, अभी भी ठंडा ही है। एंड यू नो आज के दिन ना बहुत सारे लोगों के बर्थडे थे शायद। मैंने स्टेटस में मेरे कुछ दोस्तों का भी देखा था एंड ये जो बंदे लोग जा रहे हैं ना, ये सारे लोग अपने ना किसका बर्थडे है। मंदिर के आगे सामने ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे एंड हमको केक मिला भी नहीं। ठीक है, हम लोग खाली देख रहे थे, अंदर ही अंदर विश कर रहे थे, लेकिन हमको केक दिया नहीं। ऐसे थोड़ी होता है यार। नहीं है, पापा मम्मी दोनों बैठा हुआ है, कुछ बातें कर रहे हैं और हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं। खाली है में अड़ गए हैं। सो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन में आ चुके हैं। तो दादा जानो तो गर मांगू तो आपके मांग दे थी। आई विल गिव यू द अमाउंट। होप सो गाइस रिकॉर्डिंग हो रही होंगी। हो रही है तो अच्छी बात है। तो मैं स्कूटी को थोड़ा घुमा लेता हूँ मैं, क्योंकि वापस जो जाना है। शो ओके, चलो भाई हो गया। हो गया बॉस ने भाई के। तो फिर गाइस हम लोग वापस चल रहे हैं। देखो छोटा सा ये व्लॉग है, लेकिन ये व्लॉग को भी ना हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मजाक ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि मैं अकेला ही हूँ जो वीडियोस बनाता हूँ। मेरे साथ एक्स्ट्रा कोई बंदा रहता नहीं है। अभी तो भैया है तो वो थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं होता है। तो अल्लाह के ओ गाइस, आपने देखा क्या, आपने देखा क्या, देखा क्या? वैसे मैं दूसरों का फन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार बहुत हंसी आई मुझे। अभी हम लोग जा रहे हैं होम में। ठीक है, होम मतलब घर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आश्रम है। कहाँ आश्रम, यहाँ आश्रम कुछ भी नहीं है। तो कुछ मोटे सॉरी व्लॉगर्स है वहाँ पर। ठीक है, वो लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं यार, साइकिलिंग करते करते जा रहे हैं। साइकिल देख के ना मेरा एकदम झकास सा मेमोरी सा याद आ गया मेरे को। हम लोग गए थे ना यार कौशंग में मंदिर दर्शन करने के लिए, तो साइकिल में गए थे। तब मेरी हालत तो आपको पता ही है ना कैसी थी। खैर भैया आ चुके हैं वापस। तो जंगल की तरफ जाना है, मंदिर है उधर। सबको पता है, सबको पता है कि वहीं पर मंदिर है। तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। एक्चुअली होम का टाइम हो गया ना, तो इसीलिए हमको जाना है वहाँ पर। दूधिया 1 किलोमीटर। आज बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड है। सो गाइस सुबह से धूप ही नहीं लगा है आज के। हाँ धूप ही नहीं लगा है। सो गाइस हम लोग फिर से पार्किंग लॉट पे आ चुके हैं और बाबा जी यहाँ पर जा रहे हैं। हेलमेट उतर चुके हैं, अभी फ़ोन को भी निकाल देता है। उसके बाद भैया मेरे हेल्प करेंगे वीडियोस बनाने के लिए। मतलब सारी वीडियोस वही शूट करने वाले हैं, है कि नहीं भैया? पूरा वीडियो यही शूट करने वाले हैं। तो फिर यार चलते हो होम में। तो गाइस बात कुछ ऐसी होगी कि पापा को दूधे जाना है एंड मेरे पास स्कूटी है, तो स्कूटी की ज़रूरत है। तो मैं जा रहा हूँ स्कूटी लेने के लिए। एक्चुअली मंदिर के पास ही छोड़ा था मैंने, बाद में हम लोग ऊपर गए थे ना, तो मैंने वहीं पर छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग बातें करते करते चलते चलते आ रहे थे ना, तो मैं स्कूटी वहीं पर छोड़ दिया था। तो अभी जाके मुझे फ़ोन किया कि मैं जा रहा हूँ तो मेरे को चाहिए। हम लोग ना खाना खाने जा रहे हैं एंड पहली बार लग रहा है कि हमको 36 भोज खा रहे हैं। ऑल्दो ये 36 नहीं है, लेकिन द डिजाइन यू कैन सी।
फाइनली गाइस अभी हम लोग ना घर जा रहे हैं एंड ना 7 बज चुके हैं एंड इतना ठंड है कि क्या बोलूँ, पतला से करके जैकेट लगाया था मैंने, अभी जाके मेरे को ना बहुत 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 ठंड लगा हुआ है एंड बाहर ना पूरे लाइटनिंग है, अभी तक कोई बंद किया हुआ नहीं है, तो भी मैं भी घर आ चुका हूँ एंड मेरे को डांट तो मिलेगा। मम्मी उस बिना गए रहा इस बार दुकान सोकान उठाना है उन्होंने जन को तो पीर से बताओ घर what to do मोर में डॉर से नहीं ये स्टोन जा बक्कर समान महिले सब भाई आप उन्होंने क्या आके मानते थे लाई की मानते थे लाई ग्रह कुनी के जन इस तो नक्षत्र तो ये रह देगो तेरे स्पष्ट रह देगा सतीम ना घर ना बस तुम मन लग देने यो दिस इज द फैक्ट गाइस, मुझे घर पे रहना अच्छा ही नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, अब बाहर ही बाहर घूमो, मुझे कहीं दूर नहीं जाना है, बस घर से थोड़ा बाहर चलो, हो गया, घर में रहना ही नहीं है, पता नहीं क्यों, इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है इस टोटल सोसाइटी का, पता है, घर का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है पहले तो उसके पास सोसाइटी का नहीं है, ठीक है, इसलिए मेरे को दूर दूर जाने का अच्छा लगता है एंड दूर दूर होना तो मुझे गुस्सा भी नहीं आता है, परेशान भी नहीं होता हूँ मैं, बस चील चल रही, नो टेंशन नथिंग, नो मनी नो टेंशन। आप खुद बताओ तो, अगर आपके पास पैसा होगा तो टेंशन लेते हो ना आप लोग, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है तो बस नो टेंशन, तब भी मम्मी मेरे को डांटती है, डांटती है पूर्ति पूर्ति उमाले पूर्ति। मम्मी क्या बना रही हो? मासु भात। अब मैं तो खा के आ गया हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू ईट एंड वैसे भी मैं मासु को खाने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट अ नॉन वेज। अदवा को रस, लहसुन को रस, ही अदवा को रस, सो गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट बना के उसमें झोल डालने वाली है, इसमें मतलब कैसे बनेगा, क्या बनेगा, खोकी को दवाई, खोकी का कफ का दवाई है, ठीक है, सबके लिए, तो देखो देसी वे में माया तिम्रे, ए बाबा मेरा वीडियो पूरा देख लिया है एंड यहाँ पर हजुर मम्मी है तो अभी जाके मैं ना वीडियो हेरी रखो तो अभी जाके मैं अभी वीडियोस को एंड करता हूँ, होप सो आपको अच्छा लगा होगा एंड ना अभी मेरे को ये वाला जैकेट पहनना है, उसके बाद हाथ खुटा सब कुछ धोना है, ठीक है, पूजा किया कि नहीं किया है, मैं पूजा करेगो, पूजा भी नहीं किया है एक्चुअली, मैं बोला था ना 25 दिसंबर को नॉनवेज घर पे बना था तो मंडे हो गया एंड ट्यूसडे, 3 दिन तो हो गया है तो नॉनवेज तो रहेगा ही घर में ना एंड आई एम द वन हु इज टोटली वेज, तो मुझे घर के अंदर तो मतलब एकदम साफ सुथरा ही देते हैं, यू नो कोई मिलावट करते नहीं, अच्छे से ध्यान रखते, लेकिन फिर भी ना मेरे को ना घर में अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, मैं बाहर ही रहता हूँ, स्पेशली आई गो टू मंदिर एंड वहाँ पर तो एकदम पूरा सुख मिलता है मुझे, लेकिन क्या होता है कि घर में ना सडनली मेरे को गुस्सा आ जाता है एंड गुस्सा तो अच्छा होता नहीं है, तो गुस्सा करने से अच्छा मैं बाहर ही चला जाता हूँ, मेरा मन भी शांत रहेगा, दिमाग भी शांत रहेगा, सब कुछ शांत रहेगा, सब कुछ शांत वातावरण रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, कोई टेंशन नहीं है, वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।